तस्वीरें दिखाते हैं और खबर बताते हैं जिससे सभी भाव विभोर हो गए। आज रामनवमी पर भव्य और दिव्य नजारा अयोध्या में देखने को मिला। अयोध्या में रामलला को सूर्यदेव ने सूर्य तिलक किया। 4 मिनट तक सूर्यदेव ने रामलला को तिलक किया और इस दौरान भव्य और दिव्य नजारा था। जय श्री राम के जयकारे हर ओर गूंज रहे थे। भव्य मंदिर में रामलला की पहली रामनवमी है। सूर्यदेव ने भी रामलला को सूर्य तिलक किया। उस वक्त का नजारा त्रेता युग वाला था। अयोध्या में देश भर से लोग रामलला के दर्शन के लिए पहुंचे हैं। रामनवमी को लेकर अयोध्या में सुरक्षा सख्त है। तो आपको बता दें कि रामनवमी पर जहां पर आपको पहली तस्वीर दिखा रहे हैं, तो दूसरी तस्वीर भी आप देखिए। डिजिटल के माध्यम से पीएम मोदी भी सूर्य भगवान के सूर्य तिलक का अभिषेक कर रहे हैं। और वहीं पर पीएम मोदी ने रामनवमी पर ट्वीट कर बोला भी, रामलला के सूर्य तिलक को लेकर पीएम मोदी ने फोटो ट्वीट कर एक्स पर लिखा है, नलबाड़ी की सभा के बाद मुझे अयोध्या में रामलला के सूर्य तिलक के अद्भुत और अप्रतिम क्षण को देखने का सौभाग्य मिला। श्री राम जन्मभूमि का ये बहुप्रतीक्षित क्षण हर किसी के लिए परमानंद का क्षण है। ये सूर्य तिलक विकसित भारत के हर संकल्प को अपनी दिव्य ऊर्जा से इसी तरह प्रकाशित करेगा। तो तकनीक के जरिए देखिए कि जिस तरह रामलला के ललाट पर सूर्य की किरणें जैसे ही पहुंची, 4 मिनट तक 12:01 पर सूर्य की किरणें सीधे भगवान रामलला के ललाट को छुई और 4 मिनट तक सूर्य तिलक हुआ, सूर्य अभिषेक हुआ। और आज अपने गर्भगृह में 500 सालों के बाद जब 22 जनवरी को भगवान रामलला सामने रूप में बाल स्वरूप में विराजमान हुए, तो आज अपने गर्भगृह में अपनी जन्म उत्सव को मना रहे हैं। राम को सूर्य तिलक हो रहा है तब हमारे मोबाइल फोन से भी प्रभु राम को हम प्रणाम कर रहे हैं। हम भी सूर्य तिलक में हमारे मोबाइल के किरण भेज रहे हैं। मेरे साथ बोलिए, जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, राम लक्ष्मण जानकी, जय बोलो हनुमान की, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी, राम लक्ष्मण जानकी।